मैं भारत को भारतीयता की मान्यताओं के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ। उसी काम में लगा हुआ हूँ। इन महान शब्दों को कहने वाले भाई स्वर्गीय श्री राजीव दीक्षित जी को यह चैनल सनातन भारत समर्पित है तथा उन्हीं से प्रेरित होकर इस चैनल की स्थापना की गई है। नमस्कार, मैं प्राकृतिक चिकित्सक हिमानी वशिष्ठ आप सभी का सनातन भारत परिवार में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैंने त्वचा संबंधी बीमारियों के बारे में, स्किन प्रॉब्लम्स के बारे में पहले भी कुछ वीडियो डाले थे और बहुत से प्रभावी उपाय भी मैंने बताए हैं, पर कुछ व्यक्ति हैं जिनको फ़ायदा नहीं आता है, तो मैं उन्हीं के लिए स्पेशली वीडियो बना रही हूँ कि त्वचा संबंधी बीमारियाँ ठीक क्यों नहीं होती हैं, ऐसा क्या होता है कि हमें दवाइयाँ लेते हुए भी, उपाय करते हुए भी फ़ायदा नहीं आ रहा होता। तो इसके लिए जो कुछ गलतियाँ हैं जो अधिकतर लोग करते हैं जिनको त्वचा संबंधी बीमारियाँ हैं, उन गलतियों पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगी। सबसे पहली गलती तो है कि जो ऐसे व्यक्ति हैं वो या तो एलोपैथिक दवाई ले रहे होते हैं। अगर आप एलोपैथिक दवाई ले रहे हैं किसी रोग के लिए, और जैसे स्पेशली जो त्वचा संबंधी रोग है, ठीक है, तो त्वचा संबंधी रोग के लिए अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है, आपको इमीजिएट उपाय चाहिए तो ठीक है, लेकिन अगर आपको लंबा उपाय करना है, अगर आपका उपाय 15-20 दिन से ज़्यादा चल रहा है, तो फिर आपको आयुर्वेद का ही या फिर प्राकृतिक चिकित्सा का ही सहारा लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप इतना लंबा किसी दवाई को ले रहे हैं, इसमें एलोपैथी के अंदर जो अंग्रेजी दवाइयाँ आप इतना लंबा ले रहे हैं, तो उघाड़ जो बोलते हैं कि आपके शरीर में जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, नुकसान है, वो तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि वो तो दवाई सिर्फ आपकी बीमारी को सप्रेस कर रही है, दबा रही है, ठीक नहीं कर रही है। तो जो उघाड़ होता है, जो सप्रेस कर रहे हैं, तो बीमारी बढ़कर कहीं ना कहीं सामने आती है, फिर कुछ महीने में, कुछ दिनों में, साल भर में, 6 महीने में, 1.5-2 साल में वो बीमारी बढ़कर ही सामने आएगी। तो एक तो ये भी कारण है सबसे ज़्यादा कि आप बहुत ज़्यादा एलोपैथी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर आपको कोई जो इमरजेंसी है तो एलोपैथी अच्छा है, पर अगर आपको लंबा ये ट्रीटमेंट करना है तो आप एलोपैथी को बिल्कुल मत लीजिए। दूसरा मैं बताऊँगी कि जिन लोगों को खासकर त्वचा रोग हैं, वो लोग कहते हैं कि हम सन को बिल्कुल अवॉइड करेंगे, और उनका जो घर भी होता है, अगर घर में अगर ज़्यादा मॉइस्चर है, जो वातावरण है, जो घर है उसमें इतनी सफाई नहीं है, मॉइस्चर ज़्यादा है, या फिर दीवारों पे फंगस लग गई है, या फिर अगर ज़्यादा सूर्य का प्रकाश घर में नहीं आ रहा, वो व्यक्ति भी ज़्यादा सूर्य के अंदर सूर्य का बिल्कुल भी प्रकाश ही नहीं ले रहे, तो ये भी अच्छा नहीं है, ये भी बहुत नुकसान करता है त्वचा रोगों में। दूसरा है कि तीसरी बात है कि कुछ लोग विरोधा आहार करते रहते हैं दवाई लेते हुए भी, जैसे कि दूध के साथ में खट्टे फल खा रहे हैं, नमक ले रहे हैं, जो विरोधा आहार कर रहे हैं, तो वो भी बहुत नुकसान कर रहा है। विरोधा आहार के बारे में आप मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं जिसे मैंने पूरी तरह खुलकर चर्चा की है विरोधा आहार के बारे में। उसके बाद में जैसे कि आजकल लोग जो जिनको खासकर जो ये त्वचा के रोग हैं, वो बहुत तरह तरह के शैम्पू ट्राई करते हैं, ऑयल ट्राई करते हैं लगाकर, तरह तरह की चीज़ें ट्राई कर रहे होते हैं, और ख़ासकर जो आप ये ज़्यादातर जो आप साबुन इस्तेमाल करते हैं बार बार, और ऐसे लोग कई बार तो बहुत, क्योंकि उनको खुजली चल रही होती है, कोई दिक्कत होती है कैसी भी, तो बार बार नहाना भी पसंद करते हैं, तो ये बार बार नहाना हर किसी के लिए नहीं है। अगर आप 24 घंटे में अगर एक बार नहाते हैं तो अच्छा है, और आप ज़्यादा अगर साबुन का इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो ये आपको इतना केमिकलाइज है कि आपकी बीमारी को एग्रावेट कर देंगे, बढ़ा देंगे ये। और स्नान आयुर्वेद के हिसाब से जो ये 2 या 3 समय का स्नान है, हर किसी के लिए नहीं है। जो हम बात करते हैं प्राकृतिक चिकित्सा में कटी स्नान, ये स्नान, वो अलग तरह की बातें हैं, पर एक आम आदमी के लिए मैं नहीं कहूँगी कि वो बार बार नहाए। और दूसरा, बार बार नहाने से जो आपके जो मॉइस्चर होता है त्वचा का, जो त्वचा की नमी है, वो भी त्वचा खोने लगती है, तो ये भी नुकसान करता है। फिर लोग इसका बहुत, जो लोग चाय बहुत पी रहे होते हैं, ध्यान रखिए कि चाय और कोल्ड ड्रिंक्स, कॉफ़ी, शराब, सिगरेट या किसी भी प्रकार का नशा है, ये आपकी जो बीमारी है उसको एग्रावेट करता है, उसको बढ़ा देता है। तो जिनको त्वचा संबंधी रोग है, वो इन सभी चीज़ों से बचें।
किसी प्रकार के नशीले पदार्थों से बचें ताकि उनको इस चीज से लाभ आए। इसके बाद में है आपके वस्त्र की बात आती है कि अगर आपको ऐसे रोग हैं तो कोशिश कीजिए पहली बात तो कि सूती कपड़े पहने और ज़्यादा ये जो सिंथेटिक कपड़े हैं इनका इस्तेमाल कम से कम करें, और अच्छे खुले कपड़े पहने, बहुत टाइट नहीं, ताकि थोड़ा हवा गुजर सके आसपास हो, और सूती कपड़े पहनिएगा। इसके लिए एक है कि भोजन के अंदर जिनको त्वचा संबंधी रोग हैं वो लेसदार सब्जियां ना खाएं, जैसे कि आपकी भिंडी हो गया, अरबी हो गया, जो भी लेसदार सब्जियां हैं उसका सेवन ना करें, इनसे भी त्वचा के रोग ज़्यादा बढ़ते हैं। ये बातें ही मैं आपसे अभी डिस्कस करना चाह रही थी त्वचा संबंधी रोगों को लेकर। और इसके अलावा भी मैं अपने चैनल पर सोराइसिस और आपका एक्जिमा है और जो भी ऐसे रोग हैं उनको लेकर और वीडियोस डालने वाली हूँ, आप उसे जुड़े रहिएगा। अभी के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगी। मैं एक बात कहना और भूल गई थी कि हम जो स्ट्रेस लेते हैं, बहुत चिंता करते हैं जो लोग, ये भी आपके त्वचा संबंधी रोगों को बढ़ा देता है। तो जो स्ट्रेस है वो भी नहीं लेना है, पेट को साफ रखना है इसके लिए। चलिए, अभी के लिए मेरे सारे जो टिप्स थे अभी पूरे हुए, मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।